मथुरा के थाना छाता कोतवाली पुलिस और गो तस्करों में मुठभेड़ के दौरान एक गो तस्कर की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं दो गो तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। इस दौरान दो गो तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। और बता दें कि यह सभी गो तस्कर नूह मेवात हरियाणा के रहने वाले हैं। इस मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सभी घायलों का उपचार अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना की जानकारी लगते ही आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच के और मामले की जानकारी ली। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने हथियार एक मैक्स बोलेरो बरामद की और साथ ही मैक्स गाड़ी से 6 गोवंशों को मुक्त कराया गया। आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने मुठभेड़ में एक गो तस्कर को ढेर कर दिया। मथुरा से बोलेरो पिकअप में गाय लाद कर ले जा रहे गो तस्करों के पुलिस से गांव दोताना के पास आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक गो तस्कर की गोली लगने से मौत हो गई और दो घायल हो गए। आपको बता दें कि बोलेरो पिकअप में 5 तस्कर सवार थे। हाईवे पर रात करीब 2:30 बजे छाता पुलिस गांव दोताना पर चेकिंग कर रही थी। मथुरा से बोलेरो पिकअप में 5 गो तस्कर गाय लाद कर कोसीकला की तरफ ले जा रहे थे। दोताना गांव पर पुलिस ने बोलेरो पिकअप को रोकने की कोशिश की। चालक ने भागने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस पर बोलेरो पिकअप सवार गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। दोनों तरफ से करीब 10-12 मिनट तक फायरिंग होती रही। गोली लगने से अफसर पुत्र सलीम निवासी कंसारी थाना नगीना मेवात हरियाणा, यूनुस पुत्र तैयब निवासी देवड़ा थाना नूह हरियाणा और बिल्लू पुत्र कल्लू निवासी गांव देवड़ा थाना नूह घायल हो गए। देखिए ऐसा है कि कल रात्रि में हम लोगों ने नाकाबंदी करी थी और इस प्रकार की सूचना थी कि कुछ जो क्रिमिनल्स हैं हरियाणा साइड के, वो लोग यहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटना कर सकते हैं। तो ऐसा हुआ कि केडी डेंटल के कॉलेज के पास में जो हमारा नाकाबंदी की कार्रवाई चल रही थी, वहाँ पर कुछ बदमाशों ने, क्योंकि सफ़ेद बोलेरो पे सवार थे, उन्होंने नाका को तोड़ा और तोड़ने के बाद वो कोसी की तरफ बहुत तेज गति से भागे और वो फायर भी कर रहे थे। इस पर घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने पर जब उनको किसी तरीके से भागने का रास्ता नहीं बचा था तो गाड़ी एक जगह उनकी फंस गई हाईवे पर और वहाँ से वो उतर कर पुलिस पर फायर करने लगे। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करी जिसमें 3 बदमाश इनिशियली उनको चोटें आई। उनके इलाज के लिए जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पर इलाज के दौरान एक जो बदमाश थे उसकी मृत्यु हुई है। 2 बदमाश अभी उपचाररत हैं। 2 बदमाश इसमें पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे अभी पूछताछ की कार्रवाई चल रही है और अंधेरे का लाभ उठाकर 2 बदमाश भागने में सफल हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो मथुरा पुलिस का ये कार्रवाई रही है वो बहुत ही उत्कृष्ट रही है और ये जो अभियान है इसी प्रकार से आगे भी जारी रहेगा। सर, इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं? जी, कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, उनका भी इलाज हो रहा है। जिलाधिकारी से बात कर ली गई है। SSP साहब और जिलाधिकारी प्रयास करेंगे कि साहब की उनका इलाज समुचित तरीके से हो। और दूसरा ये है कि जो आगे की विधिक कार्रवाई है, PM जो करवाना हमें वो, और जो बाकी विवेचना से रिलेटेड NHRC की जो गाइडलाइंस है उसके तहत हम लोग आगे कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.